गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और हो चुकी है हमारी सुबह। सुबह हो चुकी है, हो चुकी है, बोलो। ये तो शायद अभी नींद में ही है, बट हाँ मैं वो तो उठ चुकी हूँ। और आज कहीं जाना नहीं है, मैंने रहना है रूम पे। दिन है सोमवार। सोमवार मतलब कि भगवान महादेव का दिन है, तो थोड़ा पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। वैसे तो मेरी रूममेट ने पूजा ऑलरेडी कर दी है। अभी देखती हूँ मैं आल नहाती भी हूँ या नहीं नहाती हूँ। आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर उठना तो पड़ेगा। एक कप चाय तो मैं पी चुकी हूँ, जो कि मुझे नेहा ने बना के दे दी थी, जिसको चाय को पी के ही मेरी आँख खुली है एक्चुअली। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। अपने लिए बनाऊँगी मैं स्प्राउट आज। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहिए सुबह सुबह। अभी मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो अभी मेरे को ये लगा कि नहीं, मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे पास एक फैमिली और है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी बहुत कम उसमें मेरी फैमिली मेम्बर हैं, बट आई विश बी पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। आने वाले टाइम में क्या पता मेरी फैमिली बढ़ी जाए, इंक्रीज़ होगी। वैसे भी कोशिश करेंगे ना इंक्रीज़ होने में। क्या कहते हो आप लोग, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हाँ तो फिर मैसेज कमेंट में जाके करो, बताओ कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, ये नाराज़ हो रहा है, मैं इसके ऊपर बोझ की जैसे पड़ी हुई हूँ। सही बताऊँ तो ना, जिम जाने के बाद फर्स्ट डे तो कुछ पता नहीं चला, पर जो रात सोए थे ना, अभी जो उठे हैं, तो मतलब लिटरली पैर स्ट्रेट नहीं हो रहे, खड़े नहीं हुआ जा रहा, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और मैं लद्दड़ की तरह बस लेटी हूँ, क्योंकि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी ने बोला था बाम वगैरह लगा लेना, विक्स या फिर जेल वगैरह, उससे मालिश कर लेना, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। पर मुझे क्या लगता है, शाम को फिर से जिम जाने के बाद ही रिलीफ मिलेगा। तो चलो फिर बना लेते हैं थोड़ा सा, मैं स्प्राउट वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हो चुका है मेरा स्प्राउट या सैलेड, आप बोल सकते हैं, रेडी। हमने सारे मैंने वेजिटेबल्स काट लिए हैं, ऊपर से थोड़ा ब्लैक अंगूर डाल दिए हैं, एंड मैं थोड़ा फ्लेवर देने के लिए जीरा भून रही हूँ, ये क्रश करके इसमें डाल दूँगी। तो किस किस के मुँह में पानी आ रहा है। तो रेडी है मेरा हेल्दी एंड टेस्टी स्प्राउट, आप इसको सैलेड भी बोल सकते हो, ग्रीन। एंड मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए भुना हुआ जीरा डालने वाली हूँ। एंड यस, अभी ये रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो कैसा लग रहा है? ठीक है, मैं तो जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, मेरा यही है एंजॉय करने, तब तक आप लोग भी कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। हम जा रहे हैं जिम, और बहुत ज़्यादा थकान के साथ, क्योंकि भाई जो परसों गए थे, परसों से ही हालत एकदम ख़राब पड़ी। अभी ये तो रिकवर नहीं हुए हम, तब तक आज फिर जाना है। तो मैंने अंदर जिम वाली टी शर्ट पहन रखी है, एंड ये स्वेटर मैं वहाँ निकाल दूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, देखते हैं अभी उधर से आने के बाद सिचुएशन क्या होती है। एवरीवन, तो अभी हम आ चुके हैं रूम पे, और आज का वर्कआउट हमारा ऑसम, मतलब ऑसम गया। जैसे हम गए तो थे यहाँ से थक हार के, बहुत ज़्यादा लटके लटके, बट अभी हम बहुत एक्टिव होकर आए हैं, आप देख सकते हैं हमको। एंड आज हमारे ट्रेनर भी नहीं थे, बट हमने फुल जोश में एकदम वर्कआउट किया। जो जो चीज़ें उन्होंने कल हमको सिखाई थी, बताई थी, एंड वही वही चीज़ें हमने की हैं। एंड हाँ, ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर आप स्किप कर देते हो तो बॉडी रिलैक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट यस, कंटिन्यू करने पर अभी एकदम अच्छा लग रहा है। और खाना हमने सब्जी ऑलरेडी बना रखी है, एंड सिर्फ बनानी है चपाती, मुझे पीनी है चाय, तो मैं बनाने जा रही चाय, और आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर में।